क्या आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट को अपना करियर चुनना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ होगा और कौन से सेक्टर से आपको नुकसान हो सकता है? क्या अभी तक आपको स्टॉक मार्केट से उतना लाभ प्राप्त नहीं हुआ है जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है, या फिर आपको काफी नुकसान हो रहा है? दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कभी नुकसान उठाते हैं, कभी फायदा उठाते हैं, तो क्या आपको इससे लाभ होगा या नहीं होगा? इस वीडियो में मैं आपको वो सारे सीक्रेट्स एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर स्टॉक मार्केट से लाभ होगा या नहीं होगा, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ होगा, आपको रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, क्रूड, कमोडिटी, आईपीओस या फिर रियल एस्टेट, कौन सा सेक्टर आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होने वाला है? यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं सभी 12 राशियों के लिए इसमें बताने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि का जो लॉर्ड होता है मार्स होता है, डायरेक्शन ईस्ट होती है। इसका जो नेचर होता है मेष राशि का फायर कार्डिनल और एक्स्ट्रोवर्ट। बेनिफिक जो प्लैनेट्स हैं वो इसके लिए सन, मार्स, मून एंड जुपिटर। मैलेफिक प्लैनेट्स मरकरी एंड वीनस। न्यूट्रल प्लैनेट मेष राशि के लिए जो होता है वो सैटर्न होता है। कौन से सेक्टर्स मेष राशि वालों के सबसे ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं? ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट्स, लाइमस्टोन, जिप्सम, सीमेंट एंड आयरन स्टील, क्रूड, स्पाइस, कॉपर, टबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव मेटल्स। ये सेक्टर्स मेष राशि के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। दोस्तों, आप अपनी राशि के अनुसार महादशा, अंतर दशा और गोचर को ध्यान में रखते हुए या किसी भी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली दिखाकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करेगा कि आपको कौन से सेक्टर में कब लाभ होगा, कब नुकसान होगा और कब आपको शांत होकर बैठे रहना चाहिए। यदि आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का है तो अपनी राशि के अनुसार आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार, हरे कृष्णा।